अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई विद नादिया। खूबसूरत लोगों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए हम फेशियल्स करते हैं, लंबे लंबे स्टेप्स करते हैं, तो आज की वीडियो भी स्किन से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फेशियल बताने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा फेशियल होगा, बहुत स्टेप्स होंगे उसमें, लेकिन आज का फेशियल सिर्फ वन स्टेप पे डिपेंड करता है। तो वो वन स्टेप किस तरीके से है, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो वन स्टेप फेशियल किस तरीके से आपने करना है और उससे आपकी इंस्टेंट ग्लोइंग है, व्हाइटनिंग है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वन स्टेप फेशियल, इंस्टेंट फेशियल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम एक इंस्टेंट फेशियल करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल ले लेना है। इसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक पैक बनाएंगे फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो आप रेडी हो जाएं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्लीन बाउल के अंदर हमने एक 1 टीस्पून आपने एलमंड पाउडर का ऐड कर लेना है। एलमंड को पीस कर उसके बाद 1 टीस्पून आपने मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेनी है और उसके बाद 1 टीस्पून आपने हुस्ने यूसुफ पाउडर, जो कि आपको किसी भी पंसार की शॉप से, बाज़ार से, मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपने ऐड करना है रोज़ वाटर। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। एलमंड ऑयल है, एलमंड पाउडर जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्क्रबिंग के तौर पे काम करता है स्किन पे। और उसके बाद हमने ऐड किया था मुल्तानी मट को। मुल्तानी मट भी स्किन की खूबसूरती के लिए बहुत इस्तेमाल की जाती है और हुस्ने यूसुफ तो स्किन की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा कर देता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारे पास एक ये मिक्सचर रेडी हो गया, एक पैक रेडी हो गया, एक मास्क रेडी हो गया। तो इस मास्क को हमने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, मैक्सिमम आपने 10 मिनट के लिए आपने बना के छोड़ देना है। मिक्सचर रेडी है और आपने अब इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। ये मास्क स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मास्क किस तरीके से आपने लगाना है वो मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताती हूँ। ये वन स्टेप इंस्टेंट फेशियल है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो चलिए, तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फेस को आपने ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने टिश्यू पेपर से या किसी भी अपने टॉवल से अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप फील करेंगे कि स्किन बिल्कुल डर्ट फ्री हो गई है और क्लीन हो गई है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने स्टीमर लेके स्टीम आपने लेनी है। तकरीबन 5-6 मिनट के लिए आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी, मेकअप वगैरह के कोई भी ज़रात होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। तो उसके बाद आप फील करेंगे कि आपकी स्किन क्लीन हो गई है। आप टिश्यू पेपर की मदद से अपनी स्किन को साफ़ कर लें और जी जनाब, आपकी स्किन अब रेडी हो चुकी है फेस पैक लगाने के लिए। जो हमने फेस पैक बनाया है उसको अपनी स्किन पे इस तरीके से आप अप्लाई कर लें, आपकी स्किन खूबसूरत, सॉफ्ट, ग्लोई ग्लोई वाइटनिंग की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से आपने 10 मिनट्स के लिए इस मास्क को, इस पैक को अपनी स्किन पे लगा लेना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद आपने वॉश कर लेना है। आप फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत, नरम व मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वन स्टेप आपने फेशियल करना है। छोटा सा फेशियल है, मिनटों में तैयार हो जाता है। इस पैक को अपने फेस पे लगाइए और इंस्टेंट ग्लोइंग हासिल कीजिए। अपनी स्किन को खूबसूरत वाइट बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।